बिकॉज आदर जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करने जा रहे हैं जो आगामी 22 नवंबर को थांदला के ही जन्मे हुए पूज्य पुण्य सागर जी महाराज साहब की नेसराई में मुनि दीक्षा को ग्रहण करने जा रहे हैं। थांदला संतों की भूमि रही है। यहाँ पर पूर्व में करीब 35 से 40 आत्माएं भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चल करके मुनि धर्म को, साधु धर्म को स्वीकार करके अपने आत्मा का कल्याण कर रही हैं। आचार्य पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब, पूज्य जैनाचार्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब और पूज्य पुण्य सागर जी महाराज साहब जैसी महान आत्माओं ने थांदला की इस पावन धरा पर जन्म लेकर के इस माटी की पावनता को बरकरार रखा है, आगे बढ़ाया है। और उसी क्रम में आज थांदला के ही मूल निवासी जो वर्तमान में बड़ौदा में हाल मुकाम है, वे पूज्य पुण्य सागर जी महाराज साहब की नेसराई में संयम लेने जा रहे हैं। हम बाबूलाल जी साहब मेहता से परिचय करने जा रहे हैं। बाबूलाल जी साहब सादर नमस्कार, जय जिनेन्द्र। हमने सुना है कि आप आगामी 22 तारीख को मुनि धर्म अंगीकार करने जा रहे हो, क्या वजह है, क्या कारण है कि आप इस मार्ग पर जाने को तत्पर हो रहे हो? उपस्थित महानुभाव, देखिए हम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहकर सभी पुण्य का काम तो कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा भाग में हम लोग कर्म ही मानते और बुरे कर्म ही मानते और पाप का ही संचय करते हैं ज़्यादातर भाग में, और इन पापों का प्रक्षालन करने के लिए इस मार्ग से बढ़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये आगम में भी है और हम लोग भी जब साधु संतों के प्रवचनों में जाते हैं, स्वाध्याय में करते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान स्वाध्याय से ज़्यादा ज्ञान साधु संतों के प्रवचन से होता है, और मुझे तो उन्हीं से ही हुआ है। जब मैंने सोचा कि भाई अब अपने को अपना सब जीवन में अपना सब काम सब तरह से मैं अच्छी तरह से हो चुका है मेरा, और अब मेरे को सिर्फ साधु संतों की सेवा में जाना है, मेरा तो मन संकल्प कर लिया। और अच्छा, कोविड के टाइम में मैं शिखर जी में गुरुदेव की सेवा में गया था, संग विहार करने वाला था, और अचानक लॉकडाउन लग गया और मैं वहीं रुका। करीब 8 महीने में वहाँ रुका, और बीच में ऐसा भी आया कि एक महाराज जी को, महाराज साहब को थोड़ा सा हल्का सा बुखार आया, तो उस समय तो हवाई ऐसी चल रही थी कब क्या करेंगे, कि उनको हार कौन देगा। मैंने कहा अपन देंगे हार, कोई आए कि नहीं आए, हार देने में कोई दिक्कत नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पर तीर्थ समग्र समय शिखर जी पावन भूमि पर इतना अच्छा रहा कि उस पूरे क्षेत्र में किसी को भी कोविड नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ कोविड। यह देख के मेरा मन उसी समय ले गया था कि एक कोविड आज है, कल भी आया, अपन है नहीं है, इसलिए इस मार्ग को अपने को अच्छे तरह से ग्रहण करना है। और जैसा ही मन में उस दिन मेरा जन्मदिन था, उसी दिन गुरुदेव को मैं चरणों में ने श्रीफल अर्पण किया कि मेरे को 7 साल के अंदर दीक्षा मेरे को ले लेना है, फिर थांदला जाके देखते हैं वो अपन। तो मैंने कहा अच्छा, अभी बीच में अभी सोनागिरी में भी मैं था, तो रोज़ कोई ना कोई खबर आती थी कि आज वो गया आज वो गया, तो मेरा मन तो खट्टा हो गया। मैंने कहा महाराज जी मेरे को अब एक दिन भी अब रुकना नहीं है और इस मार्ग पर मेरे को आगे बढ़ना है। मरता ही है, उसको जाना ही पड़ता है, परंतु आप अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके इस मार्ग पर जा रहे, ये कहाँ तक उचित है? पत्नी और बच्चे भी तो दुखित होंगे। इस धर्म मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा तो ही मोह है, इससे बड़ा रोड़ा कौन सा है? पत्नी है, भाई है, बहन है, भाभी है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, सबसे बड़ा कारण तो यही है। लेकिन मेरे परिवार का मेरे ऊपर उपकार है कि जब मैंने इस मार्ग को चुना तो किसी ने भी इसमें मुझे बाधा नहीं पहुंचाई, और सहर्ष मेरे को इस मार्ग के ऊपर दान की के आपने स्वीकृति के लिए जीत करी। पूछ लीजिए आप वो तो
उनसे भी हम बात करेंगे, परंतु इस आपकी 72 साल की उम्र है, उम्र के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपने यह निर्णय लिया, तो पहले निर्णय क्यों नहीं ले लिया? आपने विवाह करा, घर बसाया, गृहस्थी में घुसे, मैं अब ये निर्णय बदल करके, तो ये एक तरह से भगोड़ापन नहीं हो गया क्या? जीवन में हमने अपन अगर चार भागों में बांटा जाए तो तीन भाग तो तेल लून लकड़ी में ही निकाल दिया मैंने। मैं ही क्या, हर कोई व्यक्ति ऐसा ही करता है। अब मैं सब प्रकार से जवाबदारी से मुक्त हुआ हूँ, इसलिए मेरा इससे बढ़कर और मार्ग क्या होगा? यहाँ पर भी रह करके आप सेवा पूजा कर सकते हो, धर्म आराधना कर सकते हो, साधु भगवंतों की सेवा कर सकते हो, साथ ही परिवार का भी ख्याल रख सकते हो, तो इनको छोड़ करके जाना कहाँ तक उचित है? इसमें उचित अनुचित का सवाल नहीं है। देखो, गृहस्थ का रहकर भी गृहस्थ का काम भी मैंने अच्छी तरह से निभाया है, और बिना अनुमति के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे नग्न दीक्षा आप लोग ये वेशभूषा को उतार करके सर्दी गर्मी भूख त्रसा सबको सहन, 22 परिसह को सहन करना पड़ेगा आपको, इसका आपने पूर्व में अभ्यास किया है कि एकदम से आप वस्त्र को त्याग दोगे? आपत्तियों का इन सब का सामना करने में आप सक्षम हो, अपने आप को सक्षम मानते हो क्या? देखो, इसका अभ्यास मैंने 4 साल से चालू किया है। सबसे पहले तो गुरुदेव से मैंने ब्रह्मचर्य का लिया कि हम लोग ब्रह्मचर्य से रहेंगे, हम पति पत्नी दोनों ने ये नियम लिया था कि हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। उसके बाद क्रम क्रम से मेरे को जैसे जैसे अनुकूलता लगती गई, मैं अपना कदम आगे बढ़ाता रहा। और परिसह को तो यह मार्ग ही ऐसा है कि परिसह को तो सहन करना ही पड़ेगा, बिना परिसह से इंद्रियों को वश में रखना। यहाँ सब अच्छा चल रहा है, आपका शरीर भी स्वस्थ है, परिवार भी आपके साथ है, फिर बिना काम से परिसह सहन करने का निर्णय क्यों ले रहे हो आप? सोचे तभी 24 तीर्थंकर होते ही नहीं, चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती, अपन के तो घर के वैरागी है, वो घर में रहकर सब पालन करते थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती थोड़ी है, हमारा इतना पुण्य इतना थोड़ी है, ऐसा पुण्य भी तो चाहिए ना। आपके परिवार में इतनी दीक्षाएं हुई, आपके बड़े भाई साहब ने दीक्षा ली, आपके छोटे भाई असमुख भाई के नाम से जो विख्यात थे, और अभी पुण्य सागर जी के नाम से विख्यात है, आपके पिताजी ने भी दीक्षा ली, तो कहीं आप ये भावुकता में आकर के हमारे परिवार के इतने लोगों ने दीक्षा ली और वो पुण्य सागर जी का विशेष रूप से आग्रह रहा हुआ, तो इस भावुकता में या उस मोहजाल में तो नहीं फंसने जा रहे हो क्या? भावुकता में होता तो कई साल हो जाते दीक्षा लिए, कई साल हो जाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत किया है मैंने, तो उस समय ले लेता ना मैं, जवाबदारी से मुनी मोड़ा मैंने। बाबू भाई से हम पूछना चाहेंगे कि आप किस लक्ष्य से दीक्षा लेना चाहते हो? आज इतने विवाद है, जिस शिखर जी को आप मानते हो कि वो मेरी पुण्य भूमि है, उस वो पुण्य भूमि शिखर जी आज विवादों से घिरी हुई है, तो सब काल का प्रभाव है, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो होना है वो निश्चित है, और अगर सच्चाई ये है कि जो चीज़ शाश्वत है वो तो शाश्वत रहेगी ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो कुछ हर जगह पे, हर समाज में, हर देश में विघ्न संतोषी तो होते हैं, इसमें हमको इस बारे में कुछ नहीं कहना। संघ समाज को और गांव के लोगों को और सारे विश्व को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, विश्व की शांति के लिए सबसे बड़ा है धर्म, और धर्म को अगर आप धन से जोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल करके रहोगे तो देश की प्रगति ही प्रगति है, और देश बचेगा तो धर्म बचेगा, ये बात पक्की है। अगर देश नहीं होगा तो हम धर्म किसका करेंगे, क्या करेंगे? और आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहो तो उन्नति ही उन्नति है, देश की भी उन्नति और समाज की भी उन्नति है। धर्म बचेगा तो देश रहेगा कि देश बचेगा तो धर्म रहेगा? देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश बचेगा तो ही धर्म बचेगा। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? मान लो
आप अपन देख रहे हैं ना वहाँ पे इसराइल और हमास का युद्ध देख रहे हैं अपन सामने प्रत्यक्ष। वर्तमान में देश की जो राजनीतिक व्यवस्था सही है यह मानते हो आप? अब देखो इस राज जहाँ तक राजनीति का सवाल है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसमें जो राजनीति में उनके भी बड़ी विवशता है कि क्या करें हम, अपन लोग हैं कितने 1%, क्या कर लेंगे आप और हम, लास्ट तक चलेगा, छठे काल के अंत तक चलेगा और उसके बाद भी चलेगा, उसमें भी एक जोड़ा ऐसा बचेगा जो आगे संसार को बढ़ाएगा। हाँ वही बहुत बढ़िया बात कही बाबूलाल जी ने कि भगवान महावीर देव का शासन अगर 21,000 वर्ष तक चलेगा। बाबू भाई विवाहित हैं, उनके 72 साल की उम्र है और उनकी धर्मसाहिका और उनके सुपुत्र भी आज हमारे बीच में हैं। हम उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जय जी, आपने बाबू भाई को मुनि बनने के लिए आज्ञा क्यों दी? आज्ञा तो दूंगी ही ना, मुझे खुद को भी इस मार्ग पे चलना था, पर मेरी इतना साहस नहीं है मुझ में कि मैं उनके साथ में चल सकूँ, लेकिन अंदर से मेरी इच्छा है कि मैं भी आगे इनके साथ में इसी धर्म मार्ग पे आरिका दीक्षा ग्रहण करूँ। तरह से मेरे हमारे सभी परिवार के और पर्सनल मेरी तरफ से तो विशेष अनुमोदना है इनकी, उनकी पूर्ण रूप से स्वीकृति है। अब उनके पुत्र से भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आपका शुभ नाम? शशांक मेहता। पापा को इस उम्र में छोड़ देना कहाँ तक उचित है? इस उम्र में तो इनकी सेवा करनी चाहिए थी, घर में रखना चाहिए था। देख कहते हैं कि माता पिता जो है भगवान के तुल्य है, उनको आपने स्वीकृति दे करके उल्टा काम तो नहीं कर रहे हो आप? जैसा कि आपने बोला भगवान के तुल्य, अगर हम उन्हें भगवान बनता देखना हुआ चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए हमने अनुमति प्रदान की है। उसका उत्तर तो आपने ही दे दिया। भगवान के तुल्य नहीं, वे भगवान बनना चाहते हैं ऐसा भाई साहब बता रहे हैं। वास्तविकता तो है, सही बात है। आप इस मार्ग पर जाने के लिए सहमति दी है तो आपकी भी इस मार्ग पर दृढ़ श्रद्धा है क्या? आप इनको कैसा बनाना चाहोगे कि हम भी आगे जाके समाधि मरण को प्राप्त करें, न कि हॉस्पिटल में एक तकलीफ से मृत्यु प्राप्त करना, समाधि मरण प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। सो हमें बहुत हर्ष उल्लास है कि हमारे परिवार से हमारे पिताजी दीक्षा ले रहे हैं, और सेवा तो हम करेंगे, दीक्षा के बाद भी सेवा करेंगे, ऐसा तो नहीं है, हमने छोड़ नहीं दिया उनको। उनका प्रोफाइल चेंज हुआ है, पहले अब संसार में थे, अब वो साधु प्रोफाइल में चले जाएंगे, तो बस यही परिवर्तन है। अब वो हमारे साथ रह रहे थे, अब संपूर्ण समाज के साथ रहेंगे और हम उनकी और पूरा समाज उनकी सेवा और अनुमोदना करता रहेगा, और उनके साथ सारी साधु संतों की अनुमोदना हम और सेवा करते रहेंगे। दिगंबर दीक्षा ग्रहण करेंगे तो इनको ठंड से, गर्मी से, इन सब प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक पुत्र को पिता को इस रूप में देखते हुए क्या अच्छा लगेगा? सामना करने की जो बात है तो पुत्र जन्म से ही हम कठिनाई का ही सामना करते हैं, जन्म लेने में कठिनाई, चलने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, रोजगार में कठिनाई, सर हर चीज़ की कठिनाई है। बीमार होते हैं तो शरीर को कठिनाई होती है, तो कठिनाई तो जीवन का एक अंग है, तो इससे हम अपने आत्म का कल्याण करें कठिनाई का उपयोग करते हुए, वो ज़्यादा बेटर है। हमने परिवार के लोगों को भी सुना, उनके धर्म सहायिका को, उनके सुपुत्र के विचारों को भी जाना। वास्तव में पूरा परिवार धर्म के प्रति श्रद्धालु है, दृढ़ है और समर्पित है, संघ के प्रति, भगवान के शासन के प्रति, और पूज्य पुण्य सागर जी महाराज साहब के नेतृत्व में वे पूरी तरह से समर्पित हैं। इनकी पूर्ण रूप से अनुमति होने पर ही बाबू भाई इस मार्ग पर आगे बढ़े हैं। हमारी सबकी ओर से और परिवार के लोगों को भी साधुवाद प्रेषित करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और बाबू भाई के प्रति हम यही कहना चाहेंगे कि उनका मार्ग प्रशस्त बने, वे अपनी आत्मा के चरम एवं परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए जिनेश्वर के पद को अर्थात सिद्धत्व के पद को प्राप्त करें, यही उनके प्रति हमारी सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमस्कार।
यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।